हाय आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। वैसे शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो आपको बता दें कि शाहरुख खान पठान फिल्म को लेकर आने वाले हैं बहुत लंबे समय के बाद। जी हां, आपको बता दें कि जीरो फ्लॉप होने के बाद अब शाहरुख खान पठान फिल्म में नजर आएंगे जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण के साथ। वहीं हम बात करें शाहरुख खान की नेक्स्ट फिल्म की, तो वो है एटली की। दरअसल आपको बता दें कि इसके टाइटल को लेकर अभी कुछ जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ पूजा हेगड़े या फिर नयनतारा नजर आएंगी। वहीं हम बात करें शाहरुख खान की तीसरी फिल्म की, तो उस फिल्म का नाम है हे राम रीमेक। जी हाँ, आपको बता दें कि मेगा स्टार कमल हासन ने कन्फर्म किया है कि वो शाहरुख खान के साथ हे राम का रीमेक बनाने जा रहे हैं। वहीं हम बात करें शाहरुख खान की चौथी फिल्म की, तो वो है राहुल ढोलकिया की। दरअसल आपको बता दें कि रईस एक्टर डायरेक्टर अब फिर से एक साथ नजर आने वाले हैं अपनी नेक्स्ट बायोग्राफिकल फिल्म में। आपको बता दें जो कि फायर फाइटर तुकड़म पर बेस्ड होने वाली है। वहीं हम बात करें शिमित अमीन्स की फिल्म के बारे में, आपको बता दें कि शाहरुख खान स्पोर्ट्स आइकॉनिक फिल्म चकदे में नजर आए थे, वहीं अब वो डायरेक्टर के साथ फिर से मिलने जा रहे हैं और इस बार वो एक रोमांटिक फिल्म बनाएंगे। वहीं हम बात करें ऑपरेशन खुरकी की, तो आपको बता दें कि मेगा स्टार शाहरुख खान इस फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित होगी। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज़ एंड अपडेट।